हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि उत्तर से उन्नति, दक्षिण से दायित्व, पूर्व से प्रतिष्ठा, पश्चिम से प्रारंभ, नैऋत्य से नैतिकता, वायव्य से वैभव, ईशान से ऐश्वर्य, आकाश से आमदनी, पाताल से पूंजी, दसों दिशाओं में शांति, सुख, समृद्धि, सफलता विद्यमान है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इसी श्रृंखला में नागपुर स्थित पोदारेश्वर राम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। वाली के अगले दिन पड़ने वाले त्योहार पर लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर सभी को प्रसाद दिया जाता है। इसके मद्देनजर नागपुर के प्रसिद्ध श्री पोदारेश्वर राम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहाँ आरती के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद भी वितरित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और दर्शन कर प्रसाद का लाभ उठाया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।